क्या आप 50 प्लस और नहीं तो उसके आसपास उम्र वाले हो? आपका घुटने में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ने और नहीं तो उतरने का टाइम में बहुत परेशानी होता है, थोड़ा सा चलने के लिए भी किसी का सहारा और नहीं तो लाठी का सहारा लेना पड़ता है? हो सकता है आपका घुटने का ग्रीस कम हो गया, यानी इसमें लुब्रिकेंट का कमी नजर आ गया है। घुटने का बीच में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, यानी ग्रीस का कमी आ चुका है, जिसके चलते कट कट का कभी कभी आवाज भी होने लगता है। आप इसको शुरुआत दौर पे ही ठीक कर लेना, नहीं तो ये आगे जाके ऑपरेशन और नहीं तो बड़ा बीमारी दे सकता है। तो क्या करें, कैसे ठीक होगा? आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ एक पावरफुल मेडिसिन लिखा है, जिसका नाम है रीजॉइंट न्यू टैबलेट। जी हाँ, रीजॉइंट न्यू टैबलेट। नमस्कार, मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। सबसे पहले बता दूं, रीजॉइंट टैबलेट एबॉट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया 15 टैबलेट्स का कीमत है 513 रुपया, जो कि हर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। अगर ना मिले तो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा बाय लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहां से घर बैठे और डिस्काउंट रेट पे मंगा सकते हो। आप पूछोगे जे रीजॉइंट न्यू टैबलेट में ऐसा क्या फायदा मिलेगा, इसमें हमें क्या क्या लाभ हम ले सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। जिसका ऑलरेडी उठने बैठने में दिक्कत होता है, जब उठते हैं या बैठते हैं कट कट का आवाज होने लगता है, चलने फिरने में तकलीफ होता है, ऐसा लगता है जे उसका लुब्रिकेशन यानी ग्रीस का कमी हो गया है, तो डॉक्टर दूसरा दवाई का साथ साथ इस टैबलेट को देते हैं। ये देने के बाद आपका दोनों जोड़ों का बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और जोड़ जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसके चलते वो चलने फिरने में इतना प्रॉब्लम नहीं करता और कट कट का आवाज भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। और खास बात यह है जे उठने बैठने में काफी इजी हो जाता है। इस टैबलेट ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा बीमारी के लिए डॉक्टर देते हैं, कभी कभी ये जॉइंट्स का जो पेन है उसको भी कम करने के लिए डॉक्टर देते हैं। अगर हड्डी और जोड़ों का बीच में गैप आ गया है तब भी ये दवाई दिया जाता है, जिससे उसका घिसने का चांस बहुत कम हो जाता है। और खास बात यह है जोड़ों का बीच में जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाता है वो भी कम हो जाता है और साथ साथ दर्द कभी कमी नजर आता। क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। जो लोग फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले वीडियो देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी आप पूछोगे ये रीजॉइंट टैबलेट का नुकसान क्या है, इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट हमें नजर आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप का जो टैबलेट है इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नजर नहीं आता, और खास बात है सबको साइड इफेक्ट नहीं होता, फिर भी कुछ लोगों को मितली यानी उल्टी जैसा समस्या हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, किसी का थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो सकता है, किसी का हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन भी आ जाता है। लेकिन किसी को अगर सर में भयंकर दर्द हो गया है और नहीं तो असहजोश महसूस हो रहा है, कभी कभी रिएक्शन होने का कारण इसमें चौकीता चौकीता हो जाता है, तो इस टैबलेट को लेना तुरंत बंद करें और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाओ। अभी आप बोलोगे इसका डोज क्या है, इसको कैसे लेना है, क्या ये खाली पेट में ले और नहीं तो खाने के बाद ले, क्या ये पानी का साथ लेना है या दूध का साथ लेना है? थोड़ा सा धीरज रखिए, हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। रोजाना एक ही टैबलेट सुबह नाश्ता का 20 से 30 मिनट बाद और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लंच का 20 से 30 मिनट बाद एक ग्लास पानी का साथ उस टैबलेट को निकाल ले, ना इसको तोड़े, एज इट इज निकाल ले। तो आप पूछोगे इतना फायदामंद दवाई है तो इसका कंपोजिशन क्या है? इसका जो कंपोजिशन है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला हो, एक तो ग्लूकोसेमाइन 750 मिलीग्राम है और कॉन्ड्रोइटिन है 600 मिलीग्राम। अभी आप पूछोगे क्या इस टैबलेट लेने में हमें सारे मुश्किल आसान हो जाएगा? बहुत मुश्किल तो आसान हो जाएगा,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप टैबलेट ले लिया और सारे काम काज भूल गए। आपको टैबलेट से लेने का साथ साथ थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो डाइट शेड्यूल है उसको बराबर मेंटेन करके चलना है। आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, खाने में आप तेज मसाला बासी खाना नहीं खाना है। आपको सलाद साग सब्जी और प्रोटीन युक्त खाना खाना है, थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज भी करना है और खास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला जो खाना है उसको आपको लेने में ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए आप नट्स ले सकते हो, जैसे वॉलनट्स हो गया है, काजू किशमिश भी हो गया है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश यानी मछली भी हफ्ता में 2 या 3 बार ले सकते हो। अगर आप बोलते हो फैटी एसिड के बारे में फायदा क्या है हमें थोड़ा बता दीजिए, तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना। ये छोड़ के भी आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, इसके लिए आप पानी ले सकते हो, आप नारियल पानी उसको इस्तेमाल करें, ये बहुत फायदा देता है। आप चाहे मिल्क भी ले सकते हो, जिसको मिल्क सूट ना करे वो पनीर ले सकते हैं, दही भी आप ले सकते हैं। अभी आप पूछोगे जे ये जो रीजॉइंट न्यू टैबलेट है हमें कितना दिन तक लेना चाहिए। इस टाइप का जो टैबलेट है आपका डॉक्टर का देखरेख में लेना चाहिए, फिर भी डॉक्टर 3 से 4 हफ्ता यानी 1 महीना तक देते हैं, फिर आगे पोजीशन देख के अगर टेस्ट करना पड़े आपका कैल्शियम डेंसिटी बोन डेंसिटी ये सब चेक करने के फिजिकल कुछ चेकिंग करने के बाद अगर उनको लगे तो फिर और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। क्या रीजॉइंट न्यू टैबलेट खाली पेट में लिया जा सकता है? नहीं, एक खाली पेट में लेने का हिदायत नहीं दिया जाता। आपको हमेशा सुबह नाश्ता के बाद और नहीं तो दिन में लंच का बाद लेना चाहिए। क्या ये जो रीजॉइंट न्यू टैबलेट हम ये लेने के बाद भारी मशीनरी और नहीं तो गाड़ी चला सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और उस टैबलेट लेने के बाद आप 1 घंटा थोड़ा खुद को ऑब्जर्वेशन में रखें, सब कुछ ठीक ठाक रहे, फिर अपना काम आप कर सकते हो। तो इस टैबलेट लेने का साथ कोई स्पेशल आप टिप्स देना चाहोगे? जरूर देना चाहेंगे। आप मैदा से बना हुआ चीज उसको अवॉइड करें, बाहर का जंक फूड और जो मीठा वाला जो चीज है कोल्ड ड्रिंक्स है उसको अवॉइड करें जब तक आप ये दवाई ले रहे हो। कोशिश ये करें एक्स्ट्रा नमक ना लिया जाए और इसके चलते आप सलाद का इस्तेमाल करें। सबसे खास बात है इस केस में आपका वजन यानी वेट आप कंट्रोल में रखें। आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ लोगों को ये डाउट्स रहता है जो दांत खाज खुजली से हम परेशान है, बार बार रिकरिंग हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो प्लीज राइट हैंड वाला वीडियो देख लेना। कुछ लोग बोलते हैं हमारा आयरन का कमी है, हम क्या करें, कौन सा टैबलेट ले, तो आप न्यू चेरी कैप्सूल आप ले सकते हो, जिसके लिए लेफ्ट हैंड वाला वीडियो देख लेना। धन्यवाद।